नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सोशल मीडिया इन दिनों लोगों के लिए टाइम पास का एक बेहद ही बढ़िया माध्यम बन गया है, जहां आपको क्या और कब देखने को मिल जाए इसका कोई अंदाजा नहीं रहता। लोग सोशल मीडिया पर अपने दिनचर्या के साथ मौज मस्ती की वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोगों से साझा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इन दिनों एक आंटी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो ब्रांडेड बेल्ट को लेकर, जिसे उसकी लड़की ने, छवि गुप्ता ने ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। दरअसल इस वीडियो में बेटी अपनी मां अनीता गुप्ता को 35,000 रुपए की खरीदी गई बेल्ट दिखा रही होती है, जिसे देख यूजर्स तो चौंक ही जाते हैं, साथ ही आंटी का रिएक्शन भी देखने लायक होता है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब अनीता गुप्ता अपनी बेटी से जब बेल्ट का दाम पूछती है तो बेटी कहती है कि ये थोड़े महंगी है, 35,000 रुपए की है। इसे सुनते ही मां चौंकती है और इसी बेल्ट से उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। आंटी का यही रिएक्शन यूजर्स को काफी भारा है और लोग काफी मजे लेकर इस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। आइए जरा एक बार इस वीडियो पर नजर डालें। बेल्ट मंगाई हो? हाँ। के लिए? पहनने के लिए। ए रानी, डीवीएस का बेल्ट लग रहा है। हाँ, वही। देखो तो किसो, ये डीवीएस का नहीं लग रहा है। कितने का है? है थोड़ा महंगा, 35,000 का। ये बिल्कुल देखो ना। अरे सपना तो है ना, 35,000 इसका। हाँ, क्या चीज में खासियत है पता नहीं। अब ले लिए, अब क्या कर रहे हैं। तो देखा आपने, इसमें आगे आंटी ये भी कहते हुए नजर आती है कि इस बेल्ट की खासियत पूछती है और कहती है कि बेल्ट की तुलना डीपीएस कराची के स्कूल बेल्ट से करती है। आंटी के इस रिएक्शन वाले वीडियो का सभी इंस्टाग्राम यूजर्स मजा ले रहे हैं और वीडियो को खूब धड़ल्ले से शेयर भी कर रहे हैं। इधर माँ की बात सुन बेटी का बैकग्राउंड में भी हंसी आ रही है। वही माँ का कहना है कि तुम्हारे पास हाथ में पैसा होने की देरी है, ऐसे ही फालतू चीजों में बर्बाद करती हो। आंटी का कहना है कि इस बेल्ट की कीमत महज 150 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आइए जरा एक बार फिर से इस पूरी वीडियो पर नजर डालें। बेल्ट मंगाई हो? हाँ। के लिए? पहनने के लिए। ए रानी, डीवीएस का बेल्ट लग रहा है। हाँ, वही। देखो तो किसो, ये डीवीएस का नहीं लग रहा है। कितने का है? है थोड़ा महंगा, 35,000 का। ये बिल्कुल देखो ना। अरे सपना तो है ना, 35,000 इसका। हाँ, क्या चीज में खासियत है पता नहीं। अब ले लिए, अब क्या कर रहे हैं। सुवर्णी कहीं के रांची में डीपीएस के बैकलेश्वर हटा दे और जोर दे ही, जी 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 काली खले। तो बहुत तो 150 रुपया में मिल जाता। कोई बात नहीं माँ, एकदम ना तुम ना एकदम भकल बिलाई लड़की हो। ना तुमसे एकदम ना खली, हाथ में पैसा रहना चाहिए और बर्बाद होना चाहिए। दरअसल ये बेल्ट नामी फैशन वेबसाइट गुची से खरीदा हुआ है। हाल ही में इटालियन फैशन का एक कुर्ता इस साइट पर $3,500 मतलब कि करीब 2.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था, जिसे लेकर ट्विटर यूजर ने कंपनी का काफी मजाक उड़ाया और भारत में बिकने वाले 500 रुपए के कुर्ते की तुलना उससे कर डाली। वैसे अगर देखा जाए इन वीडियो से एक बात तो साफ दिखाई देती है कि लोग ब्रांड के नाम पर हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर वो पैसे का उपयोग सही तरह से घरेलू उत्पादनों को बढ़ाने में करें तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आ जाए। हमारे देश की सरकार भी स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन क्या हम सच में वो करते हैं? हाँ, लेकिन एक काम है जो हम बखूबी करते हैं, गिरती अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने में हम सबसे आगे रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।